तो चलें गाइस, आज हम आपके लिए लाए रमजान स्पेशल रेसिपी, दही बल्लों की रेसिपी। आपके मेहमान आ जाएं, आप कारोबार करना चाहें तो 5 से 10 मिनट में हो जाती है तैयार। और चलते हैं, इसे बनाते हैं और देखते हैं ये कैसे बनती है। तो देखते हैं जी, लेट्स गो। तो देखें जी, माशाल्लाह से बाउल हमने ले लिया और इसमें आपने डाल देना है 2 कप ये हैं बेसन के, 1 कप मैंने ये रख दिया और 1 कप इसमें डाल के रख दिया था। तो ये 2 कप मैंने बेसन ले लिया जी। अब यही वाला कप जो है ना, आपने भर के पानी का इसमें शामिल कर देना है। और इसमें आपने फिर डाल देना 1 टीस्पून जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून जो है ना नमक डाल देना है। तो इसमें आपने थोड़ी सी डाल देनी है अजवाइन, आपने ऐसे हाथ पे उठानी है और इसको हाथ पे मसल के 1 टीस्पून है ये, और इसको आपने ऐसे रगड़ के इसमें शामिल कर देनी है। तो इसमें फिर आपने शामिल कर देना है 1 कप पानी का और इसको आपने चम्मच से फिर मिक्स कर लेना है ऐसे। आपको आपने इसको ना ज़्यादा पतला करना है और ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, सही आपने इसको बना लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये आज हम बना रहे हैं बेसन के। फिर आपको बताऊंगा मैं अगली वीडियो में दाल के बनाने हैं। ये देखें, ये आप घर पे ज़रूर ट्राई करें, वो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, आपने बहुत जगह से खाया होगा जी। ये देखें, आपके मेहमान आ जाएं तो ये फटाफट से तैयार हो जाती है। और रमज़ान में आपको पता है टाइम बहुत कम होता है और दही बल्ले बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो ये देखें, आपने इसको ऐसे मिक्स कर लेना और इसको आपने 20 मिनट तक इसको रख लेना। तो देखें जी, माशाल्लाह से ये हो गया मिक्स। ये देखें, आपने ऐसे इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ऐसे करना है कि चम्मच से खुद नीचे उतर जाए। ये देख, अब इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और जब तक इसकी दही बना लेते हैं। फिर दही बनानी है इसमें, और दही बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिया बाउल, और बाउल में हम डाल देंगे ये 1 पाव दही। ये देखें माशाल्लाह से, आपने इसको 1 पाव दही को अच्छे तरीके से आपने फेंट लेना है। ये देखें, अब इसमें आपने शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून चीनी का। मेरे पास बारीक चीनी है तो मैं ये 1 टेबल स्पून बारीक डाल रहा हूँ, आपके पास बारीक नहीं है तो आप साबित भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसको आपने अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है ये देखिए माशाल्लाह से। और दही, इसमें आपको पता है दही बड़ों में मीठा इस्तेमाल होता है। ये देखें, आप इसको चेक कर लें, अगर ये मीठा नहीं है तो इसमें आपने और डाल देना है आधा टेबल स्पून। ये देखें माशाल्लाह से, माशाल्लाह से आप दुआएं करेंगे और बोलेंगे कि अरे भाई क्या दही बड़े और क्या दही बल्ले बनाए आपने, ये बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं और फटाफट क्विक तैयार हो जाते हैं। और आप मेरे चैनल पर जाएं। ये देखें जी माशाल्लाह, आपने इसको 10 से 11 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर पकाना है। ये देखें, आपको क्रिस्पी क्रिस्पी ऊपर से नज़र आ रहे होंगे, देखें कलर चेंज हो गया है। ये देखें माशाल्लाह से दोनों साइड से पक जाएंगे ये, आपने हल्का हल्का कलर देना है, कोई मसला नहीं है, ज़्यादा भी कलर आ जाए तो इसका कलर फिर जैसे कि ये हो गया है, देखें
इसको आपने निकाल लेना है। ये देखें, ये भी हो गए माशाल्लाह से। आपने इसको अंदर तक पकाना है ना, हल्की हल्की आंच पे पकाएंगे तो ये अंदर तक पक जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये क्रिस्पी क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं। ये देखें कलर चेंज हो गया इनका। अब इनको फिर ठंडा करेंगे और ठंडा करके फिर इसका कलर जो है ना पानी में इसका और चेंज हो जाएगा। तो देखें जी गाइस, माशाल्लाह से हमारे दही बड़े हो चुके हैं तैयार। और ये देखें माशाल्लाह क्रिस्पी क्रिस्पी, और ये ठंडे हो चुके हैं। और इसको आपने अभी स्टोर भी करना हो तो कोई मसला नहीं है, ये ख़राब नहीं होते हैं। आपने इनको ऐसे स्टोर कर लेना है, और जितने आपने खाने हो फिर उनको उठा के ऐसे पानी में डाल दें। और इनको ऐसे पानी में डाल के आपने डिप कर लेने। ये देखें डिप करेंगे तो ये इसका सारा पानी और ऑयल जो है ना इसका सारा चूस लेंगे। आपने 5 से 4 मिनट इसको ऐसे डिप कर देना है तो ये फूल जाएंगे। और इनको आपने ऐसे दबा देना है, दबाने के बाद इसको फिर निकाल देना। आप देखेंगे कि इसका ऑयल सारा नीचे चला गया, इसमें जो भी मसला होगा सारा नीचे बैठ जाएगा, ऑयल वायल सब निकल जाएगा, तो ये नरम हो जाएंगे। देखें जी माशाल्लाह से आपने पानी में रख दिया था इनको, और ये फूल चुके हैं। और आपने इनका सारा पानी ऐसे करके निकाल लेना। ये देखें माशाल्लाह, ऐसे दबाएंगे और पानी निकल जाएगा सारा। ऐसे एक एक करके आपने पानी सारा इनका निकाल देना, और इसमें जो ऑयल होगा सब वो निकल आएगा। पानी में ये नरम हो जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से सारा पानी इसका निकाल देंगे, खुश्क हो जाए। तो आपने ये घर पे ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें दही बड़े, दही बल्ले, मैं बोलता हूँ कि आप उंगलियाँ चाट के खाएंगे माशाल्लाह से, ये इतने चटपटे बनेंगे। ये देखें ऐसे आपने एक एक करके पानी सब निकाल लेना है इनका। ये देख, ये जी ये हो गया जी। देखिए माशाल्लाह से सारा इसमें पानी ऑयल सब निकल चुका है इसका। और इसको हम बना लेते हैं अब दही में। तो देखें जी माशाल्लाह से दही बड़े हो चुके हैं तैयार। अब इसमें हम शामिल कर देंगे दही। ये देखें ये आपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाई है, दम बिरयानी बनाई है, हैदराबादी बिरयानी बनाई है। आप मेरे चैनल पे विज़िट करें और माशाल्लाह से जाके देखें। रमज़ान की मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपी बना के खिलाऊंगा। और देखें माशाल्लाह से आपने ऐसे इस पे सारी दही, ये देखें जी। वाह, मज़ा आ जाएगा। आपने बहुत सी जगह पे खाया होगा, जो आप घर पे और अपने हाथ से बना के खाएंगे ना, उसका टेस्ट और उसका मज़ा अलग ही होता है। ये देखिए माशाल्लाह, अब जी इस पे आपने डाल देनी है जी केचप। ये देखेंगे अब जितने इसमें चीजें डाल के वो करें माशाल्लाह से इसका टेस्ट। और ये देखें चटनी माशाल्लाह से, ये धनिया, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च और हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, और ये चटनी उसकी बनी हुई है देखें माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार सी, चटपटा सी, लजीज। और ये देखें माशाल्लाह से आप इसमें भी दही बड़े का मसाला डाल दें, चाट मसाला डाल दें, जो आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं इसमें।
काली मिर्ची हो आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसमें भी। जैसे दही बड़ों के मसाले में, चाट मसाले में ये सब मिक्स होते हैं। ये देखें जी, आप जितना टेस्ट के मुताबिक खा सकते हैं उतना आप डाल दें इसमें। और ये देखें आप, गार्निश के लिए हम थोड़ा सा इसमें रख देते हैं प्याज। ये देखिए माशाल्लाह, और 3 से 4 रख देते हैं इसमें टमाटर। ये देखें, तो ये हो चुके हैं हमारे दही बड़े तैयार, और आपने ये घर पे ज़रूर ट्राई करने हैं। और माशाल्लाह से आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।